दोस्तों जिस प्रकार का इंट्रो देखे मेरे वीडियो के शुरू में, अगर आप भी अपने मोबाइल से अगर इस प्रकार का 3D इंट्रो अगर बनाना चाहते हैं तो कैसे अपने मोबाइल से इस प्रकार का इंट्रो आप क्रिएट कर सकते हैं, मैं आज की इस वीडियो को बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे अपने मोबाइल से इसको बना सकते हैं। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार का 3D इंट्रो अगर बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं चलिए दिखाता हूँ आपको मोबाइल स्क्रीन पर, उसके बाद आगे आपको यहाँ पे क्या करना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लिक्स प्रेस का आपको यहाँ पे साइट ओपन हो जाएगा। और दोस्तों आप यहाँ से जो कि बिल्कुल फ्री में इंट्रो क्रिएट कर सकते हैं, इस प्रकार का 3D इंट्रो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो कैसे बनाना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप इसको मोबाइल से भी बना सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप से भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लैपटॉप में ओपन किया ताकि आपको यहाँ पे अच्छा सा जो कि दिखाई दे, तो आप अपने मोबाइल में इस प्रकार से ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इसमें बहुत से आदमी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे कितने यूजर ने इसमें जो कि रजिस्टर किया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत से आप यहाँ पे जो कि इतना वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इस साइट से। तो इस प्रकार से आप भी यहाँ से जो कि अपना इंट्रो बना सकते हैं। इंट्रो बनाने के लिए क्या करना है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गेट स्टार्टेड पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है, और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे आपके पास इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको यहाँ पे ID बनाने का एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे ID नहीं बनाना, आपको यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऊपर में एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप योर गूगल अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों आपको यहाँ पे कोई भी पासवर्ड वगैरह देने की टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली बस अपना गूगल से साइन अप करना है। कैसे साइन करना चलिए आपको मैं बताता हूँ। तो इस प्रकार से मैं अपना जो कि अपना GMAIL ID से इस प्रकार से साइन अप कर लेता हूँ, और जैसे इस प्रकार से आप यहाँ पे साइन अप करेंगे तो दोस्तों साइन अप होने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो कि उस प्रकार का 3D इंट्रो बनाने के लिए क्या करना है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको वहाँ पे ढेर सारा और भी इंट्रो बनाने का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सब भी इंट्रो को बना सकते हैं, या फिर आपको उसी इंट्रो को बनाने के लिए आप यहाँ पे देखते हैं वो वाले इंट्रो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि सिंपली इस पर आपको यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना है, और इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस प्रकार का आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले आपको यहाँ एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ आपका यहाँ पे देखने को मिलता है, यहीं पे आपका चैनल का लोगो दिखने वाला है, इस प्रकार से आप भी क्रिएट कर सकते हैं, ये आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, सबसे पहले 8 to 5 जो कि आप यहाँ पे फेवरेट, और दूसरा आपको यहाँ पे मिलता है कस्टमाइज नाउ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज नाउ पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और जैसे यहाँ पे कस्टमाइज नाउ पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि इस प्रकार का आपको यहाँ पे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको अपना चैनल का नेम वगैरह आप यहाँ पे सब चीज़ टाइप करना है, चलिए आपको यहाँ पे बताता हूँ जो कि आपको यहाँ पे क्या क्या टाइप करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कलर देखने को मिलता है, कलर आप जो भी कलर आप यहाँ पर रखना चाहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ब्लू कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, आप यहाँ पे ग्रीन रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, पॉपुलर रख सकते हैं, इस प्रकार से आप यहाँ पे येलो रख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर ही रहने देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि टॉप लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो टॉप लाइन में आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना चैनल का नेम देना है, चलिए मैं यहाँ पर चैनल का नेम दे लेता हूँ। और दोस्तों इस प्रकार से सबसे पहले मैंने अपना चैनल का यहाँ पे नेम दे दिया, अपना चैनल का यहाँ पे URL दे दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने चैनल का यहाँ पे URL दे सकते हैं, आप फिर यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों सबसे ऊपर में आपको अपना चैनल का नेम ही देना है, और नेम देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देखते हैं आपको इस इन सब में कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन मिलता है, इसमें आप यहाँ पे अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो कि बहुत से आप यहाँ पे देखते हैं इस प्रकार से आपको लैंग्वेज देखने को मिलता है, इन सबको आपको छोड़ देना है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है एड ऑडियो का, अगर आप चाहे तो अपना जो कि एक्सटर्नल दूसरा भी ऑडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, या फिर ऑटोमेटिक इसमें जो कि एक ऑडियो रहता है जो मैं प्ले किया शुरू में, तो ऑडियो ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट रहता है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको सिंपली यहाँ पे आपको यहाँ पे दो रेजोल्यूशन में देखने को मिलता है, सबसे पहले 360p और दूसरा 730p, आप यहाँ पे देखते हैं, तो आपको यहाँ पे 720 पर आप यहाँ पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना सबसे पहले क्रिएट प्रीव्यू पर, आपको यहाँ पे चेक कर लेना कि आपका यहाँ पे रेडी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो कि रेडी हो रहा है, पूरी तरह से यहाँ पे मेरा इंट्रो जो कि क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है जो कि व्यू माई प्रीव्यू पर, इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने, चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद आपके सामने यहाँ पे जो कि आपका इंट्रो रेडी हो चुका है, लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक टू प्रीव्यू पर क्लिक कर सकते हैं इस प्रकार से।
और अपना इंट्रो को यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो कि किस प्रकार का इंट्रो आपके यहाँ पे रेडी हुआ है। चलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार का मेरा यहाँ पे जो कि इंट्रो रेडी हो चुका है पूरी तरह से। यहाँ पे मेरा चैनल का नेम आ चुका है, नीचे मेरा यहाँ पे URL आ चुका है। तो चलिए इसको डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑर्डर का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है प्लेस ऑर्डर पर, इस प्रकार से क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके कर देना है। और जैसे यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ आपका यहाँ पे इंट्रो जो कि पूरी तरह से इस प्रकार से बन रहा है। और बनने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस प्रकार से आपको यहाँ पे व्यू माई ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपका इंट्रो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड एंड शेयर, दो ऑप्शन मिलता है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड एंड शेयर पर क्लिक करना है इस प्रकार से। और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिलता है डाउनलोड SD, डाउनलोड HD। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड HD ही कर लेना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा MB का फाइल नहीं होता, 3-4 MB का फाइल होता है। तो इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और इस पर जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों मैं आपका इंट्रो जो कि चलिए आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा इंट्रो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंट्रो डाउनलोड होने के बाद चलिए एक बार आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरा इंट्रो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, चलिए इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। तो इस प्रकार से जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पे दोस्तों मेरा इंट्रो कुछ इस प्रकार का रेडी हो चुका है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। कितना प्रोफेशनल इंट्रो आप भी बना सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार के इंट्रो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना।